चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर डैन बता रहा होता है यह वह घटना है जो यहाँ पर घटी है। इस प्लेस पर आप सभी ने अपनी आंखों से देखा है। यदि तुम वास्तव में इसके बारे में नहीं जानते थे तो तुमको यह एक्सेप्ट करना होगा कि तुम एक अयोग्य व्यक्ति हो। इसके अलावा यदि तुम इसके बारे में जानते थे तो तुमको जिम्मेदारी उठानी होगी और तुमको इसको एक्सप्लेन करना होगा। फाइव ड्रैगन लीग के हेड घांगबो गुनैक डैन की बातों को सुन फिर सेंट काफी ही ज्यादा गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम काफी ही ज्यादा अमेजिंग हो किंग ऑफ वार, साथ ही तुम एक छोटे से ढीठ बच्चे भी हो। जबकि हम उस बंदरगाह को देखते हैं जहाँ पर डैन की बातों से उस पूरी जगह पर हड़कंप मच गया होता है। सारे लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, क्या फाइव ड्रैगन लीग के गलतियों के लिए उसके हेड को वह खुद पनिश करने का इरादा रखता है? क्या उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? परंतु यदि किंग ऑफ वार ने आज जो भी यहाँ पर कहा है वह सच्चे है तो फाइव ड्रैगन लीग का हेड कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे अभी भी इसकी जिम्मेदारी ठीक से लेनी होगी। उन सभी की बातों को सुन मास्टर मैक थोड़े से परेशान होते हुए कहता है, मास्टर डैन हंसो भी ओल्ड वेगर की ओर देखते हुए कहता है, मास्टर हॉन्ग क्या यह फाइव ड्रैगन लीग के खिलाफ वार करने की घोषणा जैसा नहीं है? वेगर कहता है, तुमने बिल्कुल ही सही कहा, फिस्ट सेंट को उसकी गलतियों के लिए जवाबदेही बनाना, अरे यार यह मेरी कैपेसिटी से बाहर है। इतना बोलते हुए वह अपने मन में सोचता है, हांगो गुने कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि इससे न केवल फाइव ड्रैगन लीग की मोरालिटी को नुकसान होगा साथ ही फाइव ड्रैगन लीग के भीतर उसकी पोजिशन को भी डिस्टेबिलाईज कर देगा। और अगर उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो यह उसे स्वीकार करना होगा कि वह बस एक कठपुतली लीडर है। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूं कि वह इसमें से किसे चुनेगा, पर मैं एक बात को लेकर तो निश्चित हूँ कि वह चाहे जो भी ऑप्शन चुने लेकिन यह चीज उसे के प्राइड को जरूर ठेस पहुँचाएगा। इसके लिए वह निश्चित रूप से किंग ऑफ वार के साथ आमने सामने का वार चाहेगा। इसी के साथ हम हांगबो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से के साथ कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यंग लेडी को मारने की कोशिश करने की। न बोलने के बाद वह पीछे की ओर मुड़ते हुए नामगांव की ओर देखते हुए वह काफी ही गुस्से के साथ कहता है, मेरी प्यारी यंग लेडी हांसो हो। वह उसके गले को पकड़कर उसे दीवार के साथ चिपकाते हुए कहता है, सिस्टर योंग तुमने यंग लेडी हांसो को मारने की कोशिश की जबकि तुम पहले से ही जानती थी कि इसके लिए मेरे फीलिंग्स क्या है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा जिंदगियां है। सॉरी योंग अपने चौक होते हुए गले के साथ उससे कहता है, हांसो हो मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होंगे किंग ऑफ वार के सामने उस लेडी को मारने के अलावा और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उसे इससे ज्यादा अधिक टॉर्चर कर सकता है। हांगबो उनचोन क्या तुम भी किंग ऑफ वार को टॉर्चर करने की प्लानिंग से सहमत नहीं थे उसके आसपास में जो भी इम्पोर्टेंट लोग है उसे मारने में? हांगबो जिसे सुन कहता है, वह क्या बात है, मुझे लगा कि तुम जिस पर्सन को मारने वाली हो वह ग्योबैंग का वह ओल्ड पर्सन था, लेकिन यह सभी बकवास है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम नहीं जानती हो कि उस ओल्ड पर्सन को छूने मात्र से ही हम पूरे ग्योबैंग के दुश्मन बन जाएंगे, इसीलिए अब तुम बहाना बनाने की कोशिश कर रही हो। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखते हुए कहता है, अब तुम दोनों रुक भी जाओ, हर कोई तुम्हारे साथ डिफरेंट ट्रीट करता है क्योंकि तुम हमेशा से ऐसे ही पागल हो जाते हो, यह सब तुम्हारे सिचुएशन को अच्छी तरह से ना समझने के कारण है। हांगबो उसकी ओर देखते हुए कहता है, बैटल फैंटम बंदा दोबारा कहता है, एक शब्द क्या कहा किंग ऑफ वार ने कि पूरा फाइव ड्रैगन लीग ही हिल गया। यदि हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू रहने देते हैं तो सारी सिचुएशन ऐसी लगेगी कि जैसे कि फाइव ड्रैगन लीग के हेड के कारण यह सब हुआ है और इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुझे लगता है कि यह वह सौर होगी जो भविष्य में फाइव ड्रैगन लीग पर अटैक कर सकता है। हांगबो बैटल फैंटम की सारी बातों को सुनने के बाद सॉरियोंग को छोड़ते हुए कहता है, नामगांग सॉरियोंग मैं इस घटना को हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद वह बैटल फैंटम से कहता है, बैटल फैंटम क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? वह बंदा उसे बताता है, तुम इतनी सी सिंपल चीज को लेकर क्यों हेजिटेट कर रहे हो? यह एक ऐसी घटना है जो किंग ऑफ वार के द्वारा कहे गए शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। हमें बस इतना करना है कि यह सब फिर से उसके निजी मामले पर वापस कर दिया जाए। इतना बोलते हुए वह डैन के सामने काफी ओपी स्टाइल में उतरते हुए कहता है, किंग ऑफ वार से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरा नाम हांगयू यू है लेकिन लोग मुझे बैटल फैंटम कहते हैं। वह सोल चेसर बैटल फैंटम को उस जगह पर देख चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर हैंड यदि आप इस मैटर में अपने कदमों को रखते हैं तो यह मैटर और भी मुश्किल होती जाएगी यदि फाइव ड्रैगन लीग इसमें इंटरफेयर करता है तो। बैटल फैंटम उसे बताते हुए कहता है, फाइव ड्रैगन लीग क्या तुम्हारे
तुम्हारे पास कोई ऐसा एविडेंस है फाइव ड्रैगन लीग के इंटरफियर करने का? क्या तुमको नहीं लगता है कि जब तक कि इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि यह घटना फाइव ड्रैगन लीग से रिलेटेड है, तब तक तुमको यह फैसला नहीं करना चाहिए कि यह सब फाइव ड्रैगन के लीग के द्वारा किया गया है? यह केवल ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के प्रति पर्सनल गरज हो सकता है। ऐसा ही यह बिल्कुल सेम मेरे लिए भी है। अब से मैं जो कुछ भी करूंगा किंग ऑफ वार के साथ वह मेरा पर्सनल मैटर होगा। मैं इस बात को लेकर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इसका फाइव ड्रैगन लीग के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। डैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम इसे लेकर श्योर हो कि यह तुम्हारा पर्सनल मैटर है? बैटल फैंटम अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है, बिल्कुल यह सच है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ किंग ऑफ वार। अगर तुम्हारे बारे में अफवाह सच है तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपनी पूरी पावर को यूज कर सकता हूँ। इस तरह से अपने ओपोनेंट के साथ मिलना और उसके अगेंस्ट में फाइट करने में एबल होना, निस्संदेह इस चीज से अधिक मुझे और कोई भी बात खुशी नहीं दे सकती। एक मार्शल आर्टिस्ट वह अपनी कीमत अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने स्किल से दिखाता है, इसीलिए अपनी पूरी कोशिश करो, सोहो डैन के पीछे से कहती है बिग ब्रदर। डैन उसे बताते हुए कहता है, सोहो यह हो सकता है कि तुम्हारे लिए खतरनाक हो, इसलिए दूर रहो। इतना बोलने के बाद वह अपने कपड़ों को टाइट करते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ही सही कहा, एक मार्शल आर्टिस्ट अपने स्किल के जरिए अपने कीमत को बतलाता है, यह सच है। इसी कारण से ऑफकोर्स मैं वह करूंगा। इतना बोलते हुए हम देख पाते हैं उसकी पूरी बॉडी से व्हाइट एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है। इसी के साथ वह दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। डैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, चलो ठीक है मेरे पास आ जाओ। बैटल फैंटम जिसे सुन अपने अटैक को करने के लिए तैयार होते हुए कहता है, पिछले कुछ सालों से मैंने कभी भी प्रॉपर फाइट नहीं की है, बल्कि इस पूरे समय हांगबो उन च्योल की देखभाल करने के लिए मुझे एक वफादार कुत्ता बनना पड़ा। यह मेरे लिए कोई सुखद बात नहीं है, लेकिन आज मैं बैटल फैंटम के रूप में अपने आप में वापस आऊंगा और तुम्हारे अगेंस्ट फाइट करूंगा किंग ऑफ वार। इतना बोलते हुए वह बिल्कुल ही डैन के पास एक झटके में पहुंच जाता है और फिर देखते ही देखते उसे काफी खतरनाक तरीके से एक पंच करता है और फिर वह बिना समय गवाए दोबारा उस पर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार डैन काफी ज्यादा आसानी के साथ उसके हाथ को बस अपने एक ही हाथ से रोकता हुआ उसकी ओर एक खतरी स्माइल करता है, जिसे देख बैटल फैंटम अपने स्पीड को एक टेक्निक के जरिए बढ़ाते हुए कहता है, तुम काफी अच्छे हो किंग ऑफ वार। पर डैन उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए उसके अटैकों से काफी ही ज्यादा आसानी से बचता जा रहा था और फिर उसकी ओर देखते हुए कहता है, मैं इसे अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम इसे लेकर कितना सीरियस हो। इतना बोलते हुए वह वापस में उसे एक पंच करता है, जिसे बैटल फैंटम काफी ही ज्यादा मुश्किलों के साथ रोकता है। डैन उस पर अटैक करते हुए कहता है, मैं भी इसे करूंगा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में अपने पूरे दिल के साथ फाइट करूंगा। इतना बोलते हुए वह दोबारा अपने एक टेक्निक को यूज करते हुए कहता है, हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स थंडर क्यू है। इतना बोलते हुए वह अपनी मुट्ठी को बनाता हुआ बैटल फैंटम के पेट पे काफी ही जोरों से एक अटैक करता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं ऐसा लग रहा था कि उसके पूरी बॉडी को चीरता हुआ डैन का थंडर क्यू उसके पीछे से बाहर की ओर निकल गया होता है। बैटल फैंटम भी अपनी सिचुएशन को देख काफी ही ज्यादा हैरान होता है और फिर वह इसी के साथ पीछे की ओर उड़ते हुए जाकर गिरता है। लेकिन वह किसी तरह खुद को संभालता हुआ अपने मन में सोच रहा था, तो क्या यही है किंग ऑफ वार की असली पावर? इतना बोलते हुए वह अपनी बॉडी को झटकाता है, पर डैन उसकी ओर अपने उसी अटैकिंग स्टेट में खड़ा उससे कहता है, फाइट खत्म हो चुकी है, तुमने मुझे सीरियस होकर फाइट करने के लिए कहा था, लो मैं, यदि तुम इसे और भी जारी रखना चाहते हो सकता है कि तुम इसमें मर भी सकते हो, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अभी यहीं पर रुक जाओ। पर बैटल फैंटम डैन की बातों को सुन हंसते हुए कहता है, क्या सीरियस, सच में यह कितना मजाकिया है। जिसके बाद वह काफी जोरों के साथ चिल्लाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से डैन की पूरी थंडर क्यू बाहर की ओर निकल जाता है और फिर वह डैन की ओर किसी प्रेत की तरह देखते हुए कहता है, शिट, तुमको क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं हानग्यो म्यू हूँ बैटल फैंटम, इसीलिए आसपास खेलना बंद करो और मुझसे सीरियस होकर फाइट करो। डैन उसको इतना सीरियस देख वह और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपनी खतरी स्माइल देते हुए उसकी ओर देखता है।